जादुई घड़े की कहानी। तो बच्चों, जादुई घड़े की कहानी तो आपने पहले भी सुनी होगी, मगर बताइएगा कि यह आपको कैसी लगी। कानपुर नाम का गांव था, उस गांव में रहता था एक सीधा साधा रामू नाम का गरीब किसान। वह बहुत ही गरीब थे। उन बेचारों को कभी कभी एक समय का खाना भी नहीं खाने को मिलता था, जबकि वह दिन भर मेहनत से काम करता था। रामू के घर उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारा रामू खेत में खेती कर रहा था, तभी अचानक उसका जो गुदाल था वह एक कमजोर से किसी धातु से टकराया और तेज आवाज आई। बेचारा रामू चौंक के घबरा गया, बोला, अरे ये क्या। ने खोद कर निकाला तो वहाँ पत्थर का घड़ा निकला, खाली घड़ा और फूटी किस्मत। रामू सोचने लगा कि आखिर इस घड़े का मैं क्या करूँ। उसने यह सोचकर उस घड़े को सेब के पेड़ के नीचे रख दिया। उसे वह रख रामू अपना खेती करने लगा। फिर दोपहर के समय वह अपना खाना लेकर सेब के पेड़ के नीचे खाने आ गया। भूखा थका रामू अचानक घड़े में देखता है तो यह क्या, घड़ा सेब से भरा था। उसने सोचा कि इस खाली घड़े में सेब कौन भर गया। खैर, ज्यादा न सोचते हुए रामू सेब निकाल कर खाने लगा और फिर घड़ा रख दिया। वह अभी सेब खा ही रहा था कि तभी एक और सेब घड़े में गिर जाता, फिर से पूरा घड़ा सेब से भर जाता है। घबराया रामू पूरी तरह हैरान हो गया, लेकिन तुरंत ही समझ गया कि ये कोई ऐसा वैसा घड़ा नहीं, बल्कि निश्चित ही कोई जादुई घड़ा है। फिर कुछ विचार करके रामू घड़े को लेकर अपने घर ले जाता है। पत्नी पूछती है तो घर आकर रामू उसे जादुई घड़े के बारे में बताता है। पत्नी रामू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और यह साबित करने को कहा। यह सुन रामू एक चावल का टुकड़ा लेकर जादुई घड़े में डाल देता है और देखते ही देखते घड़ा चावल से भर गया था। पत्नी आश्चर्य से रामू को देखने लगी और खुश होकर रात का खाना खाया और सो गए। अगली सुबह रामू उस घड़े में कुछ सब्जियां डालता और सब्जियां निकालकर बाजार में बेचने का सोचता है। अब तो रोज ही ऐसा होता है। और फिर रामू मेहनत करके धन कमाया और बड़ा सा घर बनवा लेता है। गांव में सभी लोग चर्चा करने लगे कि कैसे रामू इतना अमीर हो गया, क्या उसके हाथ कुछ लग गया है। गांव में खूब माहिर दो चोर थे और एक दिन इन चोरों को पता चला तो दोनों चोर दिन के समय रामू के घर जाकर छुपके देखने लगे। उन्होंने देखा कि रामू घड़े में एक सब्जी डालता तो जादुई घड़ा बहुत सी सब्जी से पूरा भर जाता। दोनों चोर बहुत खुश होते हुए चोरी करने का योजना बनाते हैं। चोर योजना के अनुसार आधी रात के समय रामू के घर घुस गए और वह रखा जादुई घड़ा चोरी करके अपने घर आ गए। एक चोर जादुई घड़ा को परखने के लिए उसमें एक सिक्का डाल देता है। हमेशा की तरह एक सिक्का बहुत सारे सोने के सिक्के बन गया। लालच बुरी बला है। दोनों एक दूसरे से जादुई घड़ा छीनने लगे और झगड़े में दोनों के हाथों से जादुई घड़ा गिरकर टूट गया और सोना भी गायब हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार जादुई घड़ा न पहला चोर का हुआ और न ही दूसरे चोर का, दोनों हाथ धो बैठे। शिक्षा: चोरी करना पाप है और चोरी की वस्तुएं ज्यादा समय तक नहीं टिकती है।